अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो का मैं करती हूँ आगाज। तो मैं जा रही हूँ अपनी जिठाने की तरफ। सब नु पता है कि मेरे नाल मेरी जिठानी मेरे नाल आई हुई है, तो मैं उसको मिलने वो आई एक दो दफा, मैं नहीं जा सकी, तो उसकी तरफ जाने लगी हूँ। तो रस्ते में यहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट कर ली। मैंने कहा चलो आप लोगों को साथ साथ लेके जाती हूँ। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, एक तो बिजी बहुत, मेहमान बहुत आए थे, और आपको पता है कि मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि रोज मैं वीडियो ना लगा के उसको एडिटिंग कर दूँ। तो वीडियो पड़ी थी लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं मिला, तो लाजमी बात अब जाने के टाइम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, तो भागदौड़ ज्यादा शुरू हो गई है। तो अब मैं जाने लगी, तो मुझे तो ये भी बड़ा जरूरी है ना, लाजमी बात है आपको कोई इन्वाइट करता है ना, फिर होता है कि नहीं जाना है। तो यहाँ मैं जा रही हूँ बच्चों को साथ लेकर। तो मैं अभी अभी आफिया के कुर्ता देख रहा, फिर मुझे याद भी आ गया, मैंने कहा उसके ड्रेस दिखाने हैं आपको। मुझे कल भी एक दो सिस्टर ने मैसेज किए थे कि जो आफिया के कपड़े लिए ना वो प्लीज दिखा दे। तो जब कोई प्लीज कहता है ना, फिर मुझे बड़ा होता है ना कि वो नहीं प्लीज बोला करे, मुझे वैसे ही कह दिया करे, तो मैं वैसे ही बड़ी ताबेदार। तो मैं एंड पे ना आफिया के मैंने ड्रेस जो भी लिए हैं ना, मैं पैक कर रही थी। मैंने कहा नहीं, आज उसकी पहले मैं वीडियो बनाऊंगी, फिर मैं उसको पैक करूंगी। तो एंड में उसके सारे जो मैंने कुर्ते जो कपड़े लिए हैं ना, वो मैंने सारे रिकॉर्ड किए और मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये सोचा था कि वहां जाके ना जैसे जैसे निकालूंगी तो चलो मैं दिखा दूंगी, तो मुझे ये था कि नहीं शायद उनको अब जरूरत हो लेने की या देखने की, जो बार बार कह रहे हैं, तो मैं अभी दिखा दूं, क्योंकि अभी तो जहां से मैंने लिए हैं वहां पड़े होंगे इस नाप के या इस स्टाइल के। तो मैंने यही सोचा कि नहीं मैं अभी दिखा देती हूँ ताकि किसी को फायदा हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे रुक गई हूँ, ये डीगरों वाली साइड पे स्कूल है मेरी नंद का और मेरे मियाँ को, आपको पता है बाहर निकले हैं कि मैंने उनकी अपनी बहनों के स्कूल की वीडियो बनानी है, ताकि उनको मैं दिखाऊं कि ये देखें आपके स्कूल। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक के पेपर भी दिए थे, ये मुझे बड़ा याद है स्कूल ना। मैंने कहा चलो मैं भी अपने याद कर ली, तो मैट्रिक के पेपर आपको पता है यहाँ पे ही होते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं उनको पता है। तो उनके स्कूल है इनकी सिस्टर का, तो मेरे ही यहाँ पे हुए थे मैट्रिक के पेपर, तो फिर मैंने भी देख लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रुके थे, तो इसके बाद सफर जो है रवाना वहाँ शुरू हो चुका है। तो बच्चे पता इतना इनने मजा लिया मुझे ना, मैं पहली दफा इनको लेके ना बाय रोड निकली हूँ, जब से लाहौर से आए ना, तब तो वो अंधेरा रहा था, तो वो सोए आए पता नहीं चला। तो अब बाय रोड निकली हूँ, तो यहाँ से जब हम निकलते ना, तो वो आपको पता है रोड जो है टूटे टूटे हैं कुछ। तो इन्होंने दोनों ने ना मुझे फोन आ रहे थे पीछे से ना, गाड़ी पे ना जब बैठे ना आफिया फान, तो वो ना एक आगे आगे होके, आपको पता है बच्चे बैठे ना, हम दोनों मैं और विशाल पीछे थे, आफिया फान हमारे साथ थे ना। तो वो जैसे जैसे झटका लगे ना आफिया का सार लगे शीशे में, और वो इतना खुश होया फान, हो वाह जी वाह जी, वो खुद से सच्ची में जाते, 1 घंटे का सफर था और 1 घंटे का वापसी सफर था, दोनों रस्ते में आते जाते ये था कि चलो आते ही बंदा बोर हो जाता ना, थक जाता। नहीं, उन्होंने कोई मजा लिया साड़ी सड़कों का, मैंने कहा हम तो लेते ही, हमें क्या मजा आना, उन्होंने बड़ा मजा लिया। उन्होंने यहाँ पे सार मारा, वहां पे सार मारा, आगे सार लग रहा है, पीछे लग रहा है, और दोनों खेलते खेलते सच्ची में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे ना आपको पता है ये चीजें जो सड़कों की साइडों पे खड़ी है ना, हाई इतना इसका मजा है छलियों का, जो जो दूर है, जब मैं वहां जाऊंगी मैं भी आपके जैसे ही हो जाऊंगी। अभी तो मैं खा रही हूँ दिखा रही हूँ आपको, मजा भी दिला रही हूँ, लेकिन जब आप वहां जाते हैं ना फिर बड़ी चीजों की याद आती है, कदर आती है। तो मैं जहाँ जाके वीडियो दोबारा देखूंगी फिर तो और ही स्वाद आना है। तो यहाँ पे मैंने इनको रोका है, एक्स्ट्रा मैंने बोला था कि रस्ते में जो भी पठान भाई आएंगे ना मुझे छली लेके देनी है जैसे तैसे करके। एक मैंने ये छली खानी है, अभी दूसरी भी खानी, वो जो कोलों के अंदर दबी होती है ना वो भी खानी है। तो ये जब मैंने खा ले ली ना, तो आगे जाके वो रेड़े वाला भी आ गया, तो वो कह रहे थे लेने में एक टाइम पे एक ही छली, दोबारा में वो मैंने खा के जानी है। तो यहाँ पे रुके हैं बच्चों को लेके देने लगे थे छलिए, और साथ लेने थे मीठे मीठे दाने, हर किस्म के हमने छोटे छोटे ले लिए थे कि चलो जो भी बच्चे खाएंगे खा ले। मैंने तो खैर छली ही पूरी खानी थी, बाकी छोटी छोटी चीजें के पैकेट बनवा लिए थे कि इनको भी टेस्ट करवाना था ना, तो इनको थोड़े थोड़े दाने डाल के ना मुंह में टेस्ट कर रहे थे। तो खुद ही से वो अंदाजा लगा रहे थे ये पॉपकॉर्न लगते हैं, ये लगता है। तो मैंने कहा चलो मतलब के खान देना खाओ, लेकिन मीठे दाने उन्होंने खाए थे गुड़ वाले जो होते हैं ना, तो वो बड़े शौक से उन्होंने खाए थे। तो छलियां हमने ली थी हैं, तो खाई मैंने एक, बाकी दो छलियां वैसे की वैसे पड़ी रही वहां पे ना। छलियां आपको माइस कहते हैं इधर, क्या कहते हैं इसको, कोन कहते हैं वहां पे। मैं बॉयल करती हूँ जब लीडर लाल से लेके आती है, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो ये वाली छली जब इनको मैंने बोला ना कि लेने दी, कहती ये कौन सी माइस है, मैंने कहा ये ना ग्रिल वाली माइस है, कोलों के ऊपर पकती है, तो नरम तो खैर नहीं थी, आपको तो सख्त हो जाती है, ग्रिल तो और होती है ना सो नरम नरम, जो शुरू वाली होती है, तो वो बंदा कोलों के ऊपर रख के कच्ची पक्की करके खा ले, तो उसका अपना है वो, जरा बच्चे भी खा ले। तो ये इनको भी मैंने ऐसे ठरका दिया था कि ये भी वही वाली है, लेकिन इन्होंने खाई नहीं है, कह रहे थे नहीं बहुत सख्त है।
तो खैर ये भी सख्त ही थे, गुड़ वाले ये कौन सा नरम थे, लेकिन ये मीठा करके पता नहीं क्या आ गए। खैर मुझे क्या, मैंने तो खूब अपनी छली का मजा लिया, मैंने और खानी है, अभी मैंने बहुत सारी चीजें करनी है, टाइम ही नहीं लगता, ऐसे ऐसे टाइम गुजर रहा है, समझ नहीं आती। माशाल्लाह आपको पता है जब आप आते हैं ना तो फिर मिलने गिलने बहन भाई। हाँ मुझे किसी ने पूछा था के पूछा नहीं, काफी लोगों ने कहा था कि जो मेरे मियाँ ना वो मेरे साथ ही रह रहे हैं, तो आपके आप अपने ससुराल में रह रही हैं या अपनी मम्मी के घर रह रही हैं, आपके मियाँ आपके साथ ही रह रहे हैं। अच्छा जी मैं वहां पहुंच गई, खाना शाना खुल गया, रोटी खुल गई, तो मैं तो खाना तो खा रही हूँ साथ में, जी तो मैं साथ बातें भी कर लेती हूँ। अच्छा मैं ना अपने ससुराल में रह रही हूँ, ससुराल मेरा टोटली जर्मनी में है, कोई इधर नहीं है, हमारा घर ससुराल में, घर जो ना वो हमारे इधर ही है, और अम्मी लोगों के घर आपको मैंने दिखाया था जब हम पहुंचे थे स्टार्ट में, तो वो उधर है गाँव में। गाँव में जाके मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, जाना ही नहीं मेरा हो रहा, लेकिन मैं आपको उधर सेटअप लगाया, मैं जरूर उसकी वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि अम्मी को मैंने अपने पास रखा, और एक सिस्टर में जो बहावलपुर से आएंगे वो मेरे पास है, बाकी सब साथ साथ घर है, फैसलाबाद में ही सारे मेरे मेके हैं, वो रात को आ जाते हैं एक दिन छोड़ के, कभी मेरा टाइम दे के वो बाजी मेरी आ जाती है, फिर हम 1-2 घंटा बैठते वो चले जाती है, बाकी मेरी अम्मी और मेरी जो सिस्टर है वो मेरे पास रहती है। तो मियाँ तो लाजमी बात है मेरे पास, वो अपने घर में रह रहे हैं, वो ससुराल भी नहीं है, मेका भी नहीं है, देखो खाली घर है हमारे, तो वहां पे हम रह रहे हैं शहर में, तो ये सारा मसला है। दूसरा मुझे सब कह रहे थे कि आपके मियाँ जो है ना वो मेरे भाई को कजन कजन कहते हैं, तो आपकी कजन के साथ शादी हुई है, तो हाँ जी मेरी भी कजन के साथ शादी हुई है, मुझे इतनी हंसी आती है कि उनके जो मैं होते हैं सवाल, जब उनको पूछे उनके मेरे से सवाल पूछते हैं, तो फिर मुझे उनके भी जवाब देने पड़ रहे थे, मैं कहा तुसी ते मेरा ना इम्तिहान हो वधा छड़े है, मैं खुद के जवाब भी देती हूँ और आपको भी जवाब देती हूँ। चलें जी खाना शाना खा देख लिया आपने, तो मैं वापस आ जाऊं कपड़ों पे मैं, ताकि आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। अच्छा ये जो है ना सूट, ये कहाँ से लिया था, एथनिक से या एथनिक शायद लिया था मैंने, तो ये ना उन्होंने मैं ये ऐसे ऐसे लिए हैं, मैंने जल्दी से मैं गई हूँ ना जैसे चीजें लेके काउंटर पे, तो ये पीछे पड़े थे, मैंने उनको बोला इनके ऊपर लिखा हुआ था 30% ऑफ पे ना, तो मैंने कहा ये बच्चों के कपड़े हैं, वो कह रहे कि हम ना इनको वापस रखने जा रहे हैं ताकि ये सीजन खत्म हो रहा है, तो हमने विंटर के लगाने हैं, तो मैंने कहा मुझे चाहिए, तो उन्होंने दो ये सूट थे और भी बहुत ज्यादा थे, तो मैंने जल्दी से ना एथनिक है, ये कौन सी ब्रांड एथनिक ही है मुझे लगता है, तो ये 4-4 हज़ार के सूट थे मुझे पड़े, 2-2 हज़ार के, तो आपको पता है फिर 4 हज़ार के अगर दो सूट आपको मिल रहे हैं, 50%, हाँ 50% सेल थी, तो मैंने दोनों सूट पकड़ लिए, तो जब मैंने घर आके देखे ना खुले बगैर, इसलिए मैंने साइज देखा और मैंने ले लिए, क्योंकि हम लोगों को ना ऐसे ही है उधर जाके पछताएंगे क्यों नहीं लिए, क्यों थोड़े लिए, तो मुझे यह था कि जो हथियार है ना मैं ले लूँ, तो ये मैंने वहां से सूट पिक किया था और मुझे इतना पसंद आया, वो ब्लू वाला भी और ये दो मैंने वैसे पिक किए थे। अच्छा जी ये वाला जो है ये मैंने इकट्ठे खाड़ी से लेके आई थी ना, ये वो वाले, इसके साथ ट्राउजर मैंने नहीं दिखाया, वो मुझे ये था शायद कुर्ता ही है, तो लेकिन बाद में शापर के अंदर जब मैंने सारी वीडियो बना ली ना फिर वो देखा, मैंने कहा है चलो कोई नहीं मैं बता दूंगी, इसका ट्राउजर जो ना वो लाइनों लाइनों वाला सेम कपड़ा है, सेम स्टाफ का ट्राउजर है, और ये इसकी फ्राक बनी हुई है, और 30% आपको मैंने पहले भी बताया था खाड़ी के ऊपर 30% सेल है सारे टोटल बच्चों के कपड़े के, जो भी बच्चे छोटे थे लेकिन 11-12 साल तक के जो बच्चे है ना उनके ऊपर 30% अभी भी ऑफ है। ये डिजाइन दिखाने का मकसद ये है कि आप इधर से स्क्रीनशॉट करें, तो आप ऑनलाइन उसकी वेबसाइट से ले लें, या आपके कोई रिलेटिव हैं इधर से उनको भी कह के आप ले सकते हैं, ये जिनकी बच्चियां हैं मुझे मैम उनकी माओ की ना फीलिंग समझ सकती हूँ, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा आज मेहनत की है कि कम से कम मैं आफिया के इधर ही दिखा दूँ ताकि तुसी आराम ना जाके ले सको। अच्छा ये इसका कुर्ता है, ये इसके मैं दो कलर लिए थे, एक जो इसने पहना है येलो कलर का वो आपने इसको देख लिया, और एक ये मैं ब्लू में लिया है, तो ये भी मुझे लगता है 1700 तक का था, और 30% तुसी आप ही उन कैलकुलेटर काट के लेस लूस कर ले हो, बड़ा मुश्किल है, मैं तो उधर जाती थी ना तो मुझे समझ नहीं आती, मैं वो एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, यहाँ पे आपको किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना तो वो एक एक सिस्टर साथ लग जाती है, वो बंदे ने लेना भी होता है ना तो बंदा उसकी टेंशन में नहाए मेरे पीछे पीछे आ रही है, मुझे इतनी स्ट्रेस होती है, किसी भी आप मार्केट जे रोड चले जाए किसी खाड़ी चले जाएँ तो यहाँ पे एक है, वहां पे हमें आदत नहीं है, हम अपनी मर्जी की चीजें उठाती हैं फिरते हैं घूमते जाके कासा वो काउंटर पे चले जाते हैं, यहाँ पे बड़ी ड्यूटी वो देती हैं, अंदर जाना है और एक बंदे ने सलाम लेने चलो जी पीछे 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 पीछे, मैं उनको शुरू में तो मैंने कह भी दिया था कि आप ना मेरे पीछे पीछे नहीं आए, मैं जो लेना होगा तो मैं आपको बता दूंगी, मुझे इतनी स्ट्रेस होती है ना शर्म आती है कि क्या बेचारे मेरे पीछे पीछे आ रही, मुझे मैंने लेना भी होता है ना वो समझ नहीं आती कि मैं लूँ कि ना लूँ कौन सा लूँ, तो अब आदत हो गई है, अब फिर वो क्या करते हैं कि एक एक दो दो पकड़ते फिर वो ले जाती हैं कि चले मैं ये ले जाती हूँ आप और देख ले, फिर पीछे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको फिर मैं उनको ही पूछ लेती हूँ कि चल नाल ते लगी मेरे साथ ही करी
तो साथ ही करवा लेती थी, मैंने कहा मेरे साथ ही रहना, फिर मेरे कोई काम तो करे। फिर मैं उसे पूछ लेती थी कि ये इतने का है तो 30% कितने का पड़ेगा, ये इतने का, तो फिर मैं उनको ना इस काम पे लगा देती थी, ये एक टिप है जिन्हें लेने ना टिप। मुझे तो बड़ी सहूलत हुई है, वो फौरन बता देते थे बगैर सच्ची वो हिसाब लगा के, बगैर हिसाब के बता देते कि ये इतने का है। फिर मैंने इनका इनको ना इस काम में रख लिया था कि मुझे ये ऑफ करके ना रेट बता देते थे। अच्छा ये भी खा, अब जो भी दिखा रही ना ये खाड़ी के ही मैं दिखा रही हूँ। 2 पीस दिखाया पहले, वो 29 का 30% ऑफ था, और ये कुर्ते जो है ना उनके तकरीबन 2100 के, 2000 के, 1900, 1800 उसे 30% कम करके आप लगा लें तो ये बेस्ट है। अगर मेरी जो मतलब जो जिसने लेने हैं ना वो ये स्क्रीनशॉट करें और एज के हिसाब से आप जाके तो बाय कर सकते हैं या किसी से मंगवा सकते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि चलो तुहानू मैं फायदा दे देना, मैं तो चलो पैक करने ही करने तो आप भी को भी फायदा हो जाए, खास जिनके बच्चियाँ छोटी हैं। अपने जो है ना वो मैं उधर जाके दिखाऊंगी, सच्ची में बड़ा टाइम लगता है। तो ये भी खाडी का है, बाकी सारे तकरीबन खाडे के हैं, और मतलब मुझे लगता है किसी मार्केट का एक आधा होगा एंड पे जाके, मुझे लगता है 2 सूट और भी केसरिया के हैं, वो मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी। केसरिया वाले उन्होंने भी 50% सेल लगाई है सच्ची में, वो मैं जो शुरू में 2 सूट उसके ले लिए थे, जो मिले थे मैंने ले लिए थे, वो भी बड़े प्यारे निकले, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो खाडे के ना 30%, वो 50% है। अगर केसरिया किसी के पास है ना तो वहाँ जरूर जाएं, वहाँ बच्चों की सारी वरायटी पे 50%, सारी नहीं है खैर लेकिन काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी मतलब 70% जो है ना वो 50% है। तो वहां पे मैं 2 सूट लेके आई, मुझे साइज ही 2 मिले थे, मैंने 2 ने पिक कर लिए, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये वाला एक सूट है, ये वाला ये इतना प्यारा, इसके जो ट्यूलिप शलवार इसके साथ, और ये इसका कुर्ता है, और ये मुझे 1700 में पड़ा है। ठीक है, और मैं कीमत दसनी है, जिन्हें तो मेरिया भैन बाहर इन्होंने तो चाड़ देना गुस्सा मेरे थे, और दिल में पानी मुंह में आता होगा सच्ची में, मुझे खुद होता है। मैं किसी की पाकिस्तान में वीडियो देखती हूँ ऐसे छोटे बच्चों की चीज़ें, तो बड़ा दिल में होता है कि हाय मैं कैसे मंगवाऊँ, कितने प्यारे हैं, मैं मंगवाऊंगी तो निकल जाएंगे। तो मैंने पता ताड़ा भी दिल हांजी वाजदा, हांजी मेरा वाजदा है, लेकिन क्या करूँ मजबूरी है दिखाने तो है ना। तो ये उसका कुर्ता है, ऊपर बड़ा प्यारा एम्ब्रॉयडरी हुई है डिसेंट, और साथ इसका ट्राउजर है, और एक पिंक मैंने लिया था केसरिया से, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका भी एक फ्रॉक है, और साथ ये जो डोरी लेस उन्होंने दी है मुझे इतनी पसंद है ना, ये बड़ा प्यारा स्टाइल है, सिंपल डिसेंट। चलो जी हूँ मैं थक गई हाँ, तो ये मैनू दो इजाजत, तो मैनू लगता जो मुझे कह रही थी ना सब खुश हो जाएंगी। तो मुझे मेरी फैमिली को खास तौर में याद रखे, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।